मुझे बताइए चने कहाँ से आए? कैसे? वो समीर है सूरज जी, वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ खाने की चीजें लाता है, जैसे चने, मूंगफली वगैरह वगैरह। जरूर पप्पू ने खुरापात की होगी, उसके बैग से निकाल कर चने यहाँ डाल दिए होंगे। और देखिए चूहों की दावत हो रही है, आने दीजिए उन्हें। संध्या जी शांत रहिए, शांत रहिए। आप तो सच में थानेदारनी बन गई, अभी थानेदारनी बनने में टाइम है। चलो इनको खाने दो, ये भूखे होंगे। आई तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस औरत ने ना जाने कितनी औरतों को ठगा है, और तो और बिचारी भोली भाली औरतों को अपनी बातों में फंसाकर पैसे ऐंठे हैं। एक जैसी औरत की वजह से ही नारी जाति पर सवाल उठते हैं। आज ये मोर्चा पूरे पुष्कर की गली गली में घूमेगा ताकि इसकी करतूत सबके सामने आए। आज जहाँ बेटे बेटी के भेद को मिटाने के लिए लोग जागृत हो रहे हैं, वहाँ एक ये औरत होकर बेटी के जन्म को पाप बता रही है। ये समाज का वो जहर है जिसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हाँ हाँ मिटा देना चाहिए। कान खोल के सुन ले, बेटियां शराब नहीं होती हैं और ना ही पाप होती हैं। सुना था कि ये बहुत ही बड़ी बेदरानी है, वो जड़ी बूटियों का बड़ा ही अचूक कोई इनके पास इलाज है। भाई साहब चोरों के अलग चेहरे थोड़े ही होते हैं, और फिर ये तो दिन दहाड़े ठगने वाली चोर है। वो भला हो अंकुर कोठारी का कि उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया और इसके दवाखाने को सील कर दिया। भाई साहब इसे ले चलेंगे और इसकी करतूत को पूरे पुष्कर की गली गली में सबको दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ो। इधर सच सच बता, कितने का चूना लगाया तूने यहां पर? सच सच बता दे तू, मारा ना सर घूम रहा है, मार मार के भरता बना दूंगा, पीली दाल में घोल दूंगा तुझे मैं। सच सच बता कितने का चूना लगाया है? जी जी वो सौ रुपए लेती थी जी। 100 रुपए? पर ये मारे मेहनत की कमाई को तू कितनी बार गई है उसके पास? 10-10 बार ही बस गई हूँ मैं। 10 बार? 1000 बार? 1000 रुपए? डबे कोई अंदाजा है तुझे कि 1000 रुपए का एक नोट भी कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना पसीना बहता है मेरा दुकान पे। बहन जी अब हमें साड़ी दिखाइए। हाँ एक 1000 रुपए बताए हैं तो इतना सुना रहे हैं, इन्हें कैसे बताऊं कि पूरे 60,000 रुपए दे आई हूँ पैदरानी जी को। अरे ये अंकुर जी को भी और कोई काम को नहीं, क्या जो रास्ते चलते गले पड़ गए। समाज सेवा का बड़ा शौक है जेठानी जी के घर वालों को। हाँ जारी मारी बैदरानी जी को फंसा डाला। हाँ मेरा बच्चा। हे भगवान आज तो बड़ी ठंडी है, ऐसे में अगर बिरजू के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाए। बिरजू बिरजू क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई जी वो बिरजू लड़का जो चाय बनाता है वो कहाँ है? बिरजू तो गांव गया, अचानक फोन आ गया था इसीलिए। आपको भी मेरी तरह सर्दी भगाने वाली बिरजू की चाय चाहिए होगी।
पर क्या करें, आज बिरजू की चाय के बिना ही काम चलाना होगा। अब देखना क्लास छुटेगी तो कैसे सबका चेहरा उतर जाएगा। अरे आज ठंडी ने तो मार डाला, आज बिरजू के हाथ का चाय जो है ना डबल डोज लेना पड़ेगा। डबल क्या, सिंगल भी नहीं मिलेगा। काहे, बिरजू गांव गया हुआ है। अरे धत तेरी, आज चाय की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो गांव चला गया। अब क्या करें? अरे गज चाय के साथ आपकी चाहिए इलायची वाली। ये वाली चाहिए एमिली जी आपके लिए। कप का पति सर्दी में मिली ऐसी चाय, इसे रामबाण से कम नहीं। और अप्पू जी ये चाय आपके लिए, ज्यादा मीठे वाली है। इसे कहते हैं तजुर्बा, इंसान को देखते ही पहचान लेते हैं कि उसको क्या चाहिए। ये आपके लिए। रियली सूरज, आज आपने फिर से एक बार साबित कर दिया कि आप ना ही सिर्फ बेस्ट हस्बैंड है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी है। कमाल की चाय है। वाह। अरे समीर, आज डब्बे में काला है, जरा देना, चाय के साथ मजा आ जाएगा। पप्पू, शरारत बिना सोच समझ के करनी चाहिए। क्या हुआ? तुमने 24 तारीख को शायद समीर के बैग से चने निकालकर बाहर झाड़ियों में डाले थे, उसकी वजह से पूरे कॉलेज में कितने चूहे हो गए इसका अंदाजा भी है तुम्हें? चने और हम, लेकिन पप्पू तुम ना ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, सबको पता है ये शरारत जरूर तुम्हारी ही है। अरे लेकिन इमली, एक मिनट, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हरकत पप्पू की नहीं है। आप लोग इस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, क्योंकि मैं चने खाता ही नहीं हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ लेकिन चने नहीं, क्योंकि चने खाने से मेरा पेट दुखता है। सही कह रहे हैं। ये तो महा शिव भक्त स्वामी वल्लभचार्य जी हैं। ये हमारे कॉलेज में इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहे हैं? समाज सेवा के कामों के लिए, बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं इनके, शायद हो सकता है हमारे कॉलेज के काम के लिए भी आए हो। हाँ चलो 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 चलो। प्रणाम स्वामी जी। सदा सुखी रहे। आप अचानक यहाँ, कोई विशेष कारण? कारण तो अवश्य है, बिन बुलाए तो हम कहीं भी आते जाते नहीं हैं। आज हमें हमारे प्रभु का इस पवित्र स्थान पर आने के लिए बुलावा मिला है।
हमने बड़ा ही अद्भुत स्वप्न देखा जिसमें हमारे इष्ट देव साक्षात त्रिलोक महादेव ने हमें इस पवित्र स्थल के बारे में बताया कि वो इस पवित्र स्थान पर प्रकट होंगे। नमस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय नमस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय नमस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय नमस्तुते। क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, शिवजी को पानी चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय। आज यहाँ चमत्कार होगा, शिवजी प्रकट होंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रभु दर्शन दें, प्रभु दर्शन दें, त्रिलोकीनाथ दर्शन दें, लोकीनाथ दर्शन दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बदलने वाला है। इस वक्त हम खड़े हैं ज्ञानदीप संध्या महाविद्यालय में, जहाँ प्रसिद्ध महाशिव भक्त स्वामी वल्लभाचार्य जी अपनी शिव आराधना में लीन हैं, जिनका कहना है कि यहाँ इस कॉलेज के मैदान में स्वयं शिव जी प्रकट होने वाले हैं। टू आवर्स हो गए पर गॉड का तो कोई भी नामो निशान ही नहीं आया। गॉड कब तक आएंगे? आएंगे आएंगे, थोड़ा सब्र रखो। गॉड का तो पता नहीं, पर ये खबर सुनते ही टीवी वाले, मंत्री जी और आसपास की जनता जरूर आ गई है। वो देखिए, साक्षात दर्शन दे दिए। बम्मा भोलेनाथ की जय हो, बम्मा भोलेनाथ की जय हो, स्वामी जय महाराज की जय हो। आपके दिव्य शब्द सच हो गए। महादेव ने इस कलयुग में, इस पाप की दुनिया में आपको अपना विशेष भक्त माना है। मैं विशेष नहीं, मैं तो एक साधारण सा भक्त हूं इनका। इनकी भक्ति में पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा से करता हूं। महान तो मेरे भोलेनाथ है। महादेव के चरण पड़े हैं यहां, प्रभु की हम पर और अजमेर वासियों पर विशेष कृपा हुई है, इसलिए यह स्थान अब साधारण स्थान नहीं रहा। इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम महादेव के इस प्रतिरूप मूर्ति को और इस पवित्र स्थान का खास ख्याल रखें। हमें इस पवित्र स्थान की घेराबंदी करनी होगी ताकि इस मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।